Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to the new vlog. जनाब अभी मैं एबटाबाद में मेरी लैंडिंग हो चुकी है मोटरवे एक्सप्रेस से और अभी जाते हैं खाला के घर, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करते हैं, खाना शाना खाते हैं। भाई बहुत टाइम बाद आए हैं, लेकिन एक बात है, पेशावर का मौसम एबटाबाद का मौसम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पेशावर में आज सख्त धूप और गर्मी और एबटाबाद का मौसम ऐसा है भाई चिल, गाड़ी से उतरे हैं और धूप थोड़ी सी तेज़ है, लेकिन बाकी सीन ऑल ओके, गुड टू गो। नेक्स्ट डे ये आप देख सकते हैं जी कि ये है मरी रोड। आप जब हरनोई से थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये राइट साइड पे इसका रास्ता जाता है नीचे। ये आप देख सकते हैं जनाब कि ये फुल जो रोड जा रही है ये नथिया गली की तरफ जा रही है। वापस आते हैं जब आप थोड़ा सा हरनोई से आगे उसको क्रॉस करते हैं तो राइट साइड पर नीचे एक रास्ता गया हुआ है मस्जिद के साथ नीचे की तरफ। तो आप जब उस रास्ते पर आते हैं तो आपको ये जगह मिल जाती है कार। अस्सलामुअलैकुम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। सेकंड डे हमारा जी एबटाबाद में, सीन कुछ ऐसा है कि कल तो हम आए हैं, सेकंड डे पे इंशाल्लाह फिर हम निकलेंगे किसी अच्छे स्पॉट पे। अभी हम आए हैं जनाब, इसको कहते हैं केरला, और ये हरनोई से जब थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो राइट साइड पर इसका रास्ता है। बहुत खूबसूरत जगह है, पीसफुल जगह है भाई। तो यहाँ पर कज़न्स वगैरह हैं, दोस्त हैं, तो अपने साथ फ्रूट्स वगैरह लेकर आए हैं, फ्रूट्स खाएँगे, शुगल करेंगे इंशाल्लाह, फिर यहाँ से जाएंगे। अब भाई आम का सीजन हो और ऐसा मौसम हो, आम तो काने पड़ते हैं भाई। अच्छा जी, तो बस यहाँ से हम अभी अपना परवाज उठाते हैं और वापस जाते हैं अहमदाबाद की तरफ। यहाँ पे दोस्त वगैरह अपने साथ चावल वगैरह लेकर आए थे, इतने मज़े के चावल, बस हम उसी में मसरूफ़ थे। एक घंटा यहाँ पे हमने गुजारा है, अब इंशाल्लाह निकलते हैं अहमदाबाद की तरफ। घंटा गुजारने के बाद हम निकले हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ का मंज़र, यहाँ की खूबसूरती और माशाल्लाह से यहाँ का मौसम एक आला तरीन मौसम है। मैं तो ये समझता हूँ भाई कि ये एक ज़बरदस्त किस्म की पिकनिक स्पॉट है फैमिली के लिए, जो कि एबटाबाद में ये हरनोई और जगह से बेजार आ चुके हैं किस्म से। इतना वहाँ पे रश है कि बंदा कहता है थोड़ी सी एक पीसफुल जगह मिले, एक ऐसी जगह मिले जहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स बैठे, थोड़े से गपशप लगाए, एक सुकून मिले। तो मैं समझता हूँ कि एबटाबाद में ये एक बेहतरीन एक पिकनिक स्पॉट बनाए और फैमिलीज़ के लिए ख़ासकर, तो ज़रूर मस्ट यहाँ का एक विज़िट लगाएं। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, यू विल लव इट, यू विल डेफिनेटली लव इट भाई। और ये देखें मेरे साथ मेरे तीन जिगर्स और जा रहे जी वापस अपने मंजिल मकसूद की तरफ। और ये समा और ये मौसम पेशावर में भाई, इतनी सख्त गर्मी और मौसम ऐसा होता है कि बंदा कहता है यार मैं घर से ही ना निकलूं, लेकिन यहाँ एक सुकून सा है नेचर में, वो कहते हैं कि एक सुकून मिलता है आपको। वापसी पे जी हमने थोड़ा सा स्टे किया है यहाँ पे एक बटा चाय पे, कज़न्स वगैरह मेरे साथ है और चाय हमने ऑर्डर दी है आपको। इन लोगों की ये देखें भाई, चाय के लिए दोनों बेसफर है कि चाय कब आएगी।
तो वेट कर रहे हैं चाय का, चाय आते हैं फिर पी कर निकलते हैं इंशाल्लाह कल। A few moments later. फीस दुरानी व्लॉग स्टार्टेड। इंशाल्लाह आज आपको हम दिखाएंगे एमएल भाई के हाथ के टिक्के। हाँ ये जी यहाँ पे अजान भाई हमारे लिए कोयले तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी। उधर जी एमएल भाई बैठे हुए हैं और भाई मैं सपोर्टिंग रोल में भी बैठा हूँ फिलहाल। अब इंशाल्लाह ये सीन जब सेट हो जाए कोयले वाला फिर सीखों पे जाते हैं और उसकी प्रिपरेशन वगैरह करते हैं अमल भाई के साथ हेल्प करते हैं। अजान भाई आप कर लेंगे मजेदार मजेदार। यह